आमूल चूल बदलाव होने वाला, आंगनबाड़ी से लेकर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा का स्वरूप बदलेगा। रोजगार के बदलते परिवेश में बच्चों को दक्ष बनाने के लिए छठी कक्षा से जो है व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी और वर्ष 2025 तक ड्रॉप आउट रेट को 0 पर लाने का भी जो है टारगेट रखा गया है। अब इसका मकसद क्या है आपको बता दें, देखिए छठी कक्षा से मतलब व्यावसायिक जो आप कौशल विकास होता है वो छठी कक्षा से ही शुरू हो जाएगा और नई शिक्षा नीति को जो है हरियाणा ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल ने के सामने जो पूरी कार्य योजना की रिपोर्ट रखी गई है जिस पर नई शिक्षा नीति को 4 साल में पूरी तरह से लागू करने की बात कही गई है। और पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औपचारिक रूप से नई शिक्षा नीति को जो है लॉन्च करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया है। तो हरियाणा में नई शिक्षा नीति जो है लॉन्च हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या होता है वो आप लोग जानते हैं कि प्री प्राइमरी को विकसित करना, 5+3+3+ जो 4-5 का फार्मूला है इनका, वो सब डेवलप करना, ये सब काम जो है नई शिक्षा नीति के तहत है। चूँकि 1 साल हो गया है, विभिन्न राज्य सरकारें जो है जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं वो खास फोकस कर रही है नई शिक्षा नीति पर। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अब आप लोग इंतजार कर रहे हो कि आखिरकार जो है राज्यसभा में बाल विकास मंत्री ने ऐसा क्या कहा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले बाल विकास में बाल विकास मंत्री जो है राज्यसभा पहुंची थी, इन्होंने कोई ऐसा मानदेय के बारे में बड़ा ऐलान नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं इन्होंने एक डाटा पेश किया है जिस पर जो है सवाल क्वेश्चन किए गए थे विपक्षियों द्वारा, जिस पर इन्होंने डाटा पेश किया। जो डाटा इन्होंने बताया है वो डाटा काफ़ी हैरान करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 30 नवंबर 2020 तक भारत में 9,27,000 से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषित हैं। यह जानकारी केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक लिखित तौर पर दी है। और स्मृति ईरानी ने बताया कि 9 लाख बच्चों में से 3,98,000 से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि मुझे तो ये लग रहा है सर्वाधिक जो बच्चे कुपोषित उत्तर प्रदेश में है। आपको बता दें ये सवाल किसने किया था, आम आदमी पार्टी के सांसद जो है संजय सिंह, इन्होंने सवाल किया था, जिसका जवाब जो है बाल विकास मंत्री जो है इन्होंने दिया है। और इन्होंने कहा है कि हम सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके। स्मृति ईरानी ने आंकड़ा दिया है, बताया कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कुपोषण का मुकाबला करने के लिए 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान भी हमने शुरू किया था। और इस ईरानी ने भी बताया कि पोषण मिशन 2.0 के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था और सभी को पोषण सामग्री दी जा रही है। यानी कि सरकार अपनी वाहवाही कर रही है संसद में बैठकर, सदन में बैठकर, एक तरफ से समझ लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें आम आदमी पार्टी एक तरफ ये सब बातें तो पूछ सकती, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मानदेय के बारे में स्थिति कभी कोई सांसद विधायक क्यों नहीं पूछता है, सदन में या फिर विधानसभा में कभी भी ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है, अगर उठाया जाता है तो कंटिन्यू क्यों नहीं उठाया जाता है, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं आज विपक्षी पार्टियों को भी चाहिए कि कंटिन्यू इस मुद्दे को उठाया जाए। आखिरकार इनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया, हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के जो है विरुद्ध क्यों चला जा रहा है, इस पर भी जो सरकार को घेरने का काम किया जाए। इससे क्या होगा, इससे निश्चित तौर पर आंगनवाड़ी कर्मियों का भला होगा। आंकड़े तो उनके पास वैसे भी हैं, आंकड़े तो कोई भी पढ़ के बता देगा भाई कि इतने इतने आंकड़े हैं, फलाने फलाने आंकड़े, हमने ऐसा ऐसा काम किया है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि पूछा गया था, पैसा भी बताया कि 2020 और 21 के लिए हमने राज्यों को 15,797 करोड़ रुपये दिए, उत्तर प्रदेश को 1,985 करोड़ रुपये दिए, बिहार को 1,270 करोड़ रुपये दिए, मध्य प्रदेश को 1,270 दिए, भाई आपको बता दें महाराष्ट्र को 1,187 करोड़ रुपए दिए, ये सब जो है पोषण अभियान के लिए हमने रुपए दिए, ऐसा कहना है बाल विकास मंत्री का। और इन्होंने ये भी बताया कि 8 मार्च 2018 को उन्होंने पोषण अभियान भी शुरू किया था जो अनवरत चल रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में कम से कम 60% बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण होती है क्योंकि कमजोर बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़े महामारी से पहले की अवधि से संबंधित कोविड-19 के बाद एकत्रित किए गए NFHS डेटा में हालात और गंभीर है। देखिए हालात तो काफ़ी गंभीर, मैं आपको बताऊँ छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप लोगों ने सुने लिए कि जनसंख्या ज़्यादा, तो जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश कोई डेवलप स्टेट नहीं है कि बहुत ज़्यादा विकसित स्टेट हो, जैसे कि महाराष्ट्र या फिर बेंगलुरु है, कर्नाटक वगैरह है, तमिलनाडु है, ऐसे तो स्टेट है नहीं, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कुपोषण संख्या ज़्यादा है। और इसी को लेकर राज्यसभा में सवाल किया गया था और राज्यसभा में स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री, इन्होंने जवाब दिया। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था, वो तो हम आपको बता चुके हैं, अगर उसने को आपने नहीं देखा है तो पूरा संबोधन आप देख लीजिए, चैनल पर आपको पूरे खबर मिल जाएगी। आप देखिए कल क्या हुआ, महिला स्वयं सहायता समूह को इस योगी आदित्यनाथ ने जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया, इन्होंने पैसे बांटे हैं। पैसे किस बात के बांटे, क्योंकि इन्होंने काम किया तो इसलिए पैसे बांटे। अब चुनाव करीब है तो सरकार कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करी, भाई हमारे हाथों से पैसे जा रहे हैं आपके पास, तो हमें याद रखना, समझिए बात को, ये डायरेक्ट नहीं कहा जाता, ये इनडायरेक्ट कहा जाता है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सहायता समूह को 88.66 करोड़ रुपए बांटे हैं।
और कहा है कि ग्रामीण महिलाएं जो आत्मनिर्भर बन रही। शुरुआत में हमने पहले ही आपसे कह